क्वेश्चन नंबर 449. द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु इज पोस्ट ऑपरेटिव फॉलोइंग अ पेल्विक एक्सेंट्रेशन एंड द सर्जन चेंजेस द क्लाइंट्स डाइट फ्रॉम एनपीओ नथिंग बाय माउथ स्टेटस टू क्लियर लिक्विड्स. द नर्स शुड चेक विच प्रायोरिटी आइटम बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द डाइट. सो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एक पेशेंट है जिसका पेल्विक एक्सट्रैक्शन किया गया था. अब पोस्ट ऑपरेटिवली जो सर्जन थे उन्होंने क्लाइंट की डाइट एनपीओ से चेंज करके क्लियर लिक्विड डाइट कर दिया है. तो अब इस डाइट को देने से पहले नर्स प्रायोरिटी वाइज क्या पहले चेक करेगी. सो ऑप्शन वन बोल रहा है बॉबल साउंड, टू एबिलिटी टू एम्बुलेट, थ्री इंसिजन अपीयरेंस, फोर यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी. क्योंकि जैसा हमको पता है कि जो हमारी इंटेस्टाइन होती है वो स्मूथ मसल से बनी होती है और स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो उसको कहा जाता है पेरिस्टाइलिस मूवमेंट. पेरिस्टाइलिस मूवमेंट के कारण ही जो हम खाना खाते हैं वो इंटेस्टाइन में आगे मूव करती है. तो अगर यह पेरिस्टाइलिस मूवमेंट ही नहीं होगी तो फूड आगे मूव नहीं कर पाएगा और डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा. तो अगर फूड मूवमेंट नहीं करेगा तो वो जहाँ पर गया है वहीं पर रुक जाएगा और इट कॉजेस ऑब्स्ट्रक्शन. सेकेंड थिंग, अगर पेरिस्टाइलिस मूवमेंट नहीं कर पाया और पेशेंट को अगर खाना दिया गया, इट कैन बी एस्पिरेटेड इनटू द ट्रैकिया. मतलब जो फूड है वो हमारे रेस्पिरेटरी पाथवे में जा सकता है. तो पेरिस्टाइलिस अगर होती है तो वह वोवल साउंड्स प्रोड्यूस करती है और बॉबल साउंड्स इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पेरिस्टाइलिस मूवमेंट. और पेरिस्टाइलिस का होना यह बताता है कि अब पेशेंट्स को एनपीओ से लिक्विड डाइट दिया जा सकता है. तो इसीलिए बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिक्विड डाइट टू एनी पेशेंट दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स टू कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ बॉबल साउंड. सो अब क्वेश्चन का आंसर क्या आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं.